दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को जल्द एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, काशी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसके लिए जमीन लेने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बता दें कि इस स्टेडियम को BCCI बनाएगा। इसके निर्माण से खेल जगत में बनारस को भी नई पहचान मिलेगी। मार्च तक स्टेडियम की जमीन लीज पर BCCI को दे दी जाएगी, फिर निर्माण कार्य शुरू होगा। इसकी औपचारिकता पूरी करने में खेल विभाग के अफसर जुटे हैं। क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 30,000 रहेगी। वाराणसी के गंजारी में उत्तर प्रदेश का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। जल्द ही जमीन लीज पर BCCI को मिलेगी, फिर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख में निर्माण कार्य शुरू होगा। स्टेडियम आधुनिक सुविधा संसाधनों से लैस होगा। हर मैच के लिए खेल विभाग को देने होंगे 20 लाख रुपए। दोस्तों, पवेलियन व ड्रेसिंग रूम खास तरीके से बनाया जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी रहेगी। खेल मैदान सबसे अच्छा बनाने की तैयारी है। स्टेडियम निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि स्टेडियम में जितने मैच होंगे उसी हिसाब से BCCI को किराया देना पड़ेगा। प्रति मैच 10 लाख रुपए फीस व 10 लाख रुपए प्रोत्साहन समिति में जमा कराने होंगे। BCCI को वाराणसी के स्टेडियम से अच्छे नतीजे की उम्मीद है। UPCA के उपाध्यक्ष फहीम अहमद का कहना है कि बाबतपुर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से भी पर्यटक आते हैं। एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ट्रेन और सड़क कनेक्टिविटी भी शानदार हो गई है। पुरातन नगरी में अंतर्राष्ट्रीय मानक के होटल भी है। हर लिहाज से स्टेडियम बनाना फायदेमंद साबित होगा। पूर्वांचल में और ऐसा कोई जिला नहीं है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी 2 क्रिकेट स्टेडियम हैं, ग्रीन पार्क कानपुर और इकाना स्टेडियम लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय T20 और टेस्ट मैच कराए जाते हैं। ग्रीन पार्क में 32,000 तो इकाना में 50,000 दर्शकों की क्षमता है। वाराणसी में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे। जिले के साथ ही पूर्वांचल के लोग भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक दिवसीय T20 और टेस्ट मैचों के चौके छक्के लगते देख सकेंगे। 32 एकड़ में बनेगा स्टेडियम। दोस्तों, गंजारी के 32 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनना है। इसमें से 14 एकड़ जमीन ग्राम सभा की है, 12 एकड़ और जमीन खरीदी जा चुकी है। इसका मतलब है कि 26 एकड़ जमीन खेल विभाग को मिल गई है, 6 एकड़ जमीन और मिलनी है। इसमें भी 3.5 एकड़ जमीन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। इसके लिए 14 किसानों से सहमति मिल गई है। 2.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण और हो चुका है। अब मुआवजा देने पर सहमति बनाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी तेजी से काम कर रहे हैं। जमीन खरीद पर ही 121 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कैसा होगा गंजारी स्टेडियम का डिजाइन? UPCA के उपाध्यक्ष फहीम अहमद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेडियम बनाने पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। जल्द ही जमीन लीज पर BCCI को दे दी जाएगी, फिर UPCA स्टेडियम का निर्माण कराएगा। स्टेडियम आधुनिक सुविधा संसाधनों से लैस होगा। स्टेडियम की डिजाइन बन चुकी है। दर्शकों की क्षमता 30,000 रहेगी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी RP सिंह ने कहा कि BCCI को जमीन किराए पर दी जाएगी। इसके एवज में प्रति मैच 10 लाख रुपए फीस ली जाएगी। 10 लाख रुपए प्रोत्साहन समिति में जमा कराने होंगे। ज्यादातर जमीन मिल चुकी है, कुछ और जमीन मिलनी है। प्रशासनिक अधिकारी मदद कर रहे हैं। जल्द ही जमीन BCCI को दे दी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।